केंद्र सरकार ने प्रदेश को मदद देने से मना कर दिया। ये बयान है राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का, जिन्होंने बुधवार को हुई AICC प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद से प्रदेश में कोरोना पॉलिटिक्स अपने चरम पर है। इसी कड़ी में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंत्री रघु शर्मा के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरे मामले पर स्पष्टीकरण देने को कहा। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की एक खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के साथ साथ सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के एक बयान की कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को मदद देने से मना कर दिया है, पर विपक्ष ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। मंत्री रघु शर्मा के बयान को बिल्कुल झूठा बताते हुए नागौर सांसद व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही बेनीवाल ने कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है। दरअसल बुधवार को AICC द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन पत्रकार वार्ता में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना वायरस की महामारी में केंद्र राज्यों की मदद नहीं कर रहा है। पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्रियों ने मदद मांगी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि हमसे कुछ भी मत मांगो और आप भी कुछ मत करो, दो दिन अखबार में छप कर रह जाएगा। अब आप बताइए ऐसे में हम क्या करते। पिछले दिनों मुख्यमंत्री गहलोत ने PM मोदी से कांग्रेस व भाजपा सहित सभी राज्यों को 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद और राज्यों की सीमा 3 से बढ़ाकर 5% करने की मांग की थी। मंत्री रघु शर्मा की PM मोदी को लेकर की गई इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक ट्वीट के जरिए CM अशोक गहलोत से कहा कि आपके मंत्री रघु शर्मा PM नरेंद्र मोदी को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। PM ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसे 3 बार राज्य के हालातों की समीक्षा की। केंद्र ने हर संभव मदद मुहैया करवाई है, आप स्वयं स्पष्टीकरण दो। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि अशोक गहलोत जी, PM नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने हर संभव मदद राज्य को मुहैया करवाई है। उज्ज्वला योजना, जनधन खाते में मदद, PM किसान निधि, FCI द्वारा हजारों मैट्रिक टन गेहूं प्रदेश को मिले, फिर रघु शर्मा जी गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि COVID-19 जैसी महामारी को लेकर PM नरेंद्र मोदी जी की WHO द्वारा और वैश्विक पटल पर सराहना हुई है। बिना कोई भेदभाव केंद्र ने प्रत्येक राज्य को मदद पहुंचाई, उसके बावजूद राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी का PM मोदी को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान निंदनीय है। अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए वीडियो जारी करते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि चिकित्सा मंत्री ने जो बयान दिया है PM मोदी को लेकर, यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। आप भी देखिए नागौर सांसद व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने क्या क्या कहा। कल प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है प्रधानमंत्री जी को लेकर, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ जो VC थी उसके अंदर कहा, मैं उनसे कुछ मांगो, मैं कुछ करो, दो दिन अखबार में छप के सब रह जाएगा। ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि उस VC के अंदर मुख्यमंत्रियों के साथ VC थी, स्वास्थ्य मंत्री बैठे थे, क्या प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बयान दिया था, क्या ऐसा कहा था, और प्रधानमंत्री जी इस कोरोना महामारी को लेकर कितने संवेदनशील है ये पूरा विश्व जानता है। WHO ने भी हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री जी की कोरोना महामारी से निपटने के अंदर तारीफ करी और वर्ल्ड वैश्विक महामारी के समय पूरे विश्व के नक्शे पर भारत को इस महामारी से मजबूत तरीके से लड़ता हुआ देखा जा सकता। जब बड़े बड़े अमेरिका, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे देश जब कोरोना महामारी के सामने घुटने टेक गए, उसमें हिंदुस्तान मजबूती से लड़ रहा है और उसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री जी मोदी जी को जाता है, जिन्होंने समय रहते लॉकडाउन किया और 3-3 बार तमाम देश के मुख्यमंत्रियों से VC भी करी, उन्होंने किसी राज्य का कांग्रेस BJP या दूसरा भेदभाव नहीं रखा। और प्रधानमंत्री जी ने इस संकट के समय के अंदर PM उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस मुक्त गैस सिलेंडर, जनधन खाते के अंदर मदद, PM किसान निधि, FCI द्वारा हजारों मैट्रिक टन गेहूं प्रत्येक राज्य को दिए गए, राजस्थान को भी भरपूर मदद केंद्र से मिली है और हम सब सांसद राजस्थान सरकार को मदद भी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने यह संदेश हम सबको दिया कि इस आपत्ति के समय के अंदर कई जनता कर्फ्यू का मामला हो, घर पे दिए जलाने का मामला हो, कोरोना वॉरियर्स को भी आप लोगों को मजबूती देनी, ये संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया।